देख रहे हैं स्पोर्टलाइट 24 चैनल, आईना सच का। मैं आपके साथ सोनी, आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। फर्रुखाबाद जनपद के कंपिल में भारतीय किसान यूनियन भान प्रताप गुट ने महापंचायत बुलाई। इस महापंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष भान प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें, यह महापंचायत गत दिनों निवर्तमान एसओ ललितेश त्रिपाठी ने शमसुद्दीनपुर के एक कोटेदार के घर जाकर दबिश दी, जिसमें बर्बर पिटाई की। उक्त कोटेदार की पिटाई के बाद मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद आक्रोशित परिजनों ने व ग्रामीणों ने थाना आकर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों व किसान यूनियन के प्रदेश सचिव राजा राम शर्मा पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। कुल 38 लोगों के को नामजद व 250 लोगों को अज्ञात रूप से मुकदमे में दर्ज किया गया है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर यह मुकदमा वापस नहीं लिया गया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो किसान यूनियन आज करेगी। कंपिल में किसान यूनियन की, भारतीय किसानों भानों की पंचायत इसलिए बुलाई गई थी कि यहाँ पर एक कोटेदार को पुलिस के द्वारा मार दिया गया था, पुलिस की पिटाई से मर गया था, और उनके जो मरा है उसी के खिलाफ, उसके घर वालों के खिलाफ, उसके मतलब सहयोगी के खिलाफ मुकदमा लगा दिए हैं। ये झूठा मामला देखकर राजा राम शर्मा ने और दुर्गा नारायण मिश्रा जी ने, जो जिलाध्यक्ष हैं, हमें यहाँ बुलाया है, और हमने भी यही पाया है कि झूठा लोगों को फंसाया जा रहा है अपनी बचत करने के लिए। पुलिस अपनी बचत कर रही है कि वो मर गया तो, लेकिन अब मरा है पुलिस पे, और मतलब जो कि उन्होंने जाने क्या क्या थोप दिया है इन किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पे और उनके घर वालों पे। इसलिए हमने आज अभी कप्तान साहब से फ़ोन पे बात भी की है। उस समय जब ये कांड हुआ था उस समय दूसरे कप्तान थे, अब दूसरे हैं। कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जो सही होगा वही करवाएंगे, इसलिए दुर्गा नारायण मिश्रा कल कप्तान साहब से मिलेंगे। जो ये परिजनों ने जो मांग की है मुआवजे की, उसमें क्या ऐसा है? मुआवजे की मांग करिए, मुआवजा दिलवाएंगे उनके, उसके जो मरा है उसके परिवार वालों को, उसकी पत्नी को, उसके जो बच्चे होंगे उसके लिए परिजनों को, कोटेदार के परिजनों को जो मुकदमा लिखवाया गया है उसके बेटों पर, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जो मुकदमा लिखवाया गया उसी के बारे में तो कहा, वो वापस किए जाएं। कप्तान से मांग कर रहे हैं, कप्तान साहब कहें इनसे, मतलब जो थाना अध्यक्ष है, कि इनको वापस करो, उनको वापस खत्म करो। थाना अध्यक्ष जो है, पूर्व थाना है। आप किसान यूनियन के लोग अपनी पूरी ताकत लगा करके पूरे देश में आंदोलन चलाया करते हैं, और आज की तारीख में केवल ये किसान यूनियन बेचारे गाँव गाँव बैठे है, जिनकी उम्र 70 साल की हो गई है, किसान यूनियन का आंदोलन चलाते चलाते इसी देश में वो भी किसान है, टाटा बिरला किसान है, और चाय की खेती करता है, उसने आज तक हिसाब नहीं दिया है। इसलिए अब किसानों को हिसाब मांगना पड़ेगा। बाप बेटे से हिसाब लेता है, भाई भाई से हिसाब लेते हैं, पति पत्नी से हिसाब लेते हैं, अब वोटर को भी हिसाब लेना ही पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। यहाँ के जो फर्रुखाबाद के कप्तान साहब हैं, जो बदल गए हैं, अब नए आए हैं, उनको फोन पर कहा है, कप्तान साहब कंपिल थाने में भारतीय किसान यूनियन भानों के कार्यकर्ताओं पर जो गलत मुकदमे हो गए हैं उनको जांच करवा के, यदि वो झूठे हैं तो उनको खत्म करवा दीजिए, ये हमने कप्तान साहब से कहा है। इस बात को लेकर हमारे जिलाध्यक्ष दुर्गा नारायण मिश्रा और राजा राम जी कल कप्तान साहब से मिलेंगे और अपनी सारी हकीकत जो भी है, क्योंकि मुझे सारा किस्सा तो पता नहीं है, मुझे तो यहाँ बुलाया गया। मंदिर भी नहीं है, उसकी जांच हो जानी चाहिए। सिंगीराम तहसील।